हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्व अध्ययन। मैं संगीता मैम आप सबको स्व अध्ययन पर स्वागत करती हूँ। ईट क्या है आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चलिए जानते हैं। शायद इस एग्जाम की प्रोसेस आसान होगी या मुश्किल होगी ये तो आने वाला समय में ही पता चलेगा। तो समझेंगे ये है क्या ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप अगर SSC, RRB या बैंकिंग लाइन में जॉब चाहते हैं तो इसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। फिलहाल तो इसका उपयोग इन तीनों के लिए होने वाला है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। जैसे टीचिंग के लिए CET एग्जाम देना पड़ता था, ठीक उसी प्रकार बाकी सब नौकरी के लिए हम ये CET एग्जाम देने वाले हैं आने वाले समय में। ये कॉमन एग्जाम है, सबको इस एग्जाम को देना ही पड़ेगा। आई थिंक ये ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा और नेशनल एजेंसी इसे कंडक्ट करेगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए ही ये एग्जाम संपादित होगा। शायद आपको 3 बार मौका मिलेगा, आप 3 बार में ही आपका स्कोर कर सकते हैं और ये स्कोर बहुत ही मायने रखने वाली है। कुछ कुछ चीज़ें इसके बारे में जान लेते हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी निकालेगी तो आपको ये एग्जाम क्लियर करके ही उसमें आवेदन करना होगा। आप ये बात मानकर चलिए आपको SSC, RRB, बैंकिंग ये सब लाइन में जाना है तो ये एग्जाम आपको क्लियर करना ही होगा। अब हम टीचिंग लाइन में जाने वालों के लिए तो राहत की बात है, ये एग्जाम उनके लिए शायद नहीं लगने वाला है। अब आगे जाकर ही पता चलेगा क्या होने वाला है और क्या नहीं। और कुछ पॉइंट्स की बात करें तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी, जैसे हमारा NTA बनाया गया था। अभी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी और ये एजेंसी 1 साल में 2 बार परीक्षा कंडक्ट करेगी। परीक्षा में सिर्फ MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। परीक्षा ऑनलाइन ही होगी और इसके लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे और ये सेंटर्स हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने का प्लानिंग है। एक ही स्कोर कार्ड मिलेगा और अलग अलग नौकरी के लिए जब आप इंटरव्यू देंगे तो यही स्कोर कार्ड से काम चल जाएगा। को ये भी तो मिल रहा है कि प्राइवेट क्षेत्र में भी ये लागू होने वाला है। खैर क्या होगा क्या नहीं ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। हम यूँ कहें तो मेनली अभी ये बैंक, SSB और रेलवे के लिए जरूरी है। सभी ग्रुप B और ग्रुप C नौकरी के लिए लागू होने वाला कि नहीं ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। MCQ यानी बहुविकल्पीय में से एक को चुनना है आपको, ऐसे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में। और जो टीचिंग लाइन में है उन्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए तो पहले से ही CET मौजूद था। अभी इसका क्या होगा आगे जाकर ही पता चलेगा, अभी हमारे लिए नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि 2021 तक ये लागू हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं, और आशा करते हैं जो भी होगा बेहतर ही होगा और बेहतर ही हो।